Good afternoon, students. Welcome back to our classes. Today our topic is environmental impact assessment. Means the impact of projects such as residential project, industrial project, irrigational project and other miscellaneous project. What are the impact of these projects on environment? It is the assessment or analysis of impact of these such type of projects on the environment. कहने का मतलब ये है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब है किसी भी प्रोजेक्ट किसी भी परियोजना का पर्यावरण पर प्रभाव उसके अध्ययन उसके विश्लेषण को कहा जाता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। अब इसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे प्रयास करेंगे कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके प्रोसेस क्या है, भारत में ये कब से शुरू हुआ, ये सारे चीज़ों की जानकारी इस स्लाइड के इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है क्या। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जैसा कि आप डेफिनेशन में देख रहे हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज एन असेसमेंट ऑफ द पॉसिबल पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दैट अ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट मे हैव ऑन द इन्वायरमेंट कंसिडरिंग नेचुरल सोशल एंड इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स। कहने का मतलब है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट यानी EIA वो एक असेसमेंट है किसका, किसी भी प्रपोज प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट प्रभाव, चाहे वो नेगेटिव भी हो सकता है यानी नकारात्मक भी हो सकता है, चाहे सकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है, और किसको कंसिडर करेंगे, किसको कंसिडर करेंगे, वो है नेचर यानी नेचुरल, सोशल यानी सामाजिक, और इकोनॉमिक यानी इकोनॉमिक यानी आर्थिक। इस एस्पेक्ट का हम लोग के ऊपर प्रभाव किसी प्रोजेक्ट का क्या होता है। दूसरा पॉइंट ये है द EIA इंटेंडेड टू प्रिवेंट और मिनिमाइज पोटेंशियली एडवर्स इन्वायरमेंटल इफेक्ट एंड इन्हेंस द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट। EIA का मतलब ये नहीं होता है किसी प्रोजेक्ट को असेसमेंट करके खारिज कर देना या उसको ऐसे लागू कर देना। इसमें सुधार की अगर गुंजाइश है तो सुधार भी करेंगे। इससे क्या होता है, जो भी एडवर्स इफेक्ट यानी नुकसानदायक प्रभाव पड़ रहा है इन्वायरमेंट में उसको कम किया जाए और प्रोजेक्ट की क्वालिटी को इन्हेंस किया जाए यानी बढ़ाया जाए। अब इसका बेनिफिट, इसका फायदा क्या है, द मेन बेनिफिट ऑफ EIA द लोअर प्रोजेक्ट कॉस्ट इन द लॉन्ग टर्म। जो भी प्रोजेक्ट आ रहा है उसके लोअर उसके कॉस्ट को कम कैसे किया जाए, प्रोजेक्ट का एक्सेप्टेंस यानी प्रोजेक्ट का स्वीकृति बढ़ाया जाए, स्वीकारता बढ़ाई जाए, और प्रोजेक्ट के डिज़ाइन को यानी प्रोजेक्ट के डिज़ाइन को इम्प्रूव किया जाए। ये तीन बेनिफिट होता है EIA का। अब और नेक्स्ट आ जाइए, द EIA शुड आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब एंड असेस द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। अब इस EIA का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ऑब्जेक्टिव है कि उसके अध्ययन करें कि किसी भी प्रोजेक्ट का निम्नलिखित चीजों पर सीधा या अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे मनुष्य पर ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा फाउना यानी वनस्पति एवं जीव जंतु, सॉयल यानी मृदा, वायु और जल, क्लाइमेट यानी मौसम, और उसके परिदृश्य और जहाँ प्रोजेक्ट लग रहा है उसके लैंडस्केप यानी उसके परिदृश्य, और उस लोकल जगह कल्चरल हेरिटेज, और सारे फैक्टर जो ऊपर देख रहे हैं उसके बीच का इंटरैक्शन। तो इसका मतलब ये हो गया, देयरफोर EIA शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोशल डायमेंशन, यानी इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग यानी प्रभावशाली सामाजिक आयाम होते हैं। मतलब कहने का है कि किसी प्रोजेक्ट का ह्यूमन बीइंग, पेड़ पौधे, सारे तरह के जो हाइड्रोस्फीयर हो गया, बायोस्फीयर हो गया, चाहे लिथोस्फीयर हो गया, उसका मौसम का प्रभाव क्या पड़ सकता है, उस पर क्या सुधार कर सकते हैं, समाज पर क्या सुधार प्रभाव पड़ेगा, समाज का ये सारे चीज़ को एक्सपेक्ट को ध्यान में रखते हुए ये सारा असेसमेंट किसी प्रोजेक्ट का किया जाता है। इसी को कहते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। अब भारत के परिदृश्य में देखा जाए, सबसे पहले ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट
1974 को हुआ था, जब प्लानिंग कमीशन ने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को कहा गया कि जितने भी रिवर वैली प्रोजेक्ट है उसकी उसका अध्ययन कीजिए, उसको जांच करिए किसके एंगल से, इन्वायरमेंटल एंगल। कहने का मतलब, द EIA स्टार्टेड इन 1974 व्हेन प्लानिंग कमीशन आस्क्ड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू एग्जामिन द रिवर वैली प्रोजेक्ट्स फ्रॉम इन्वायरमेंटल एंगल। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण आप लोग रिवर वैली प्रोजेक्ट का दे सकते हैं, भाखड़ा नंगल डैम का भी हुआ, चाहे वो दामोदर वैली प्रोजेक्ट का भी नाम दे सकते हैं जो झारखंड में है। इन सारे प्रोजेक्ट को मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट किया कहा जाता है, जिसमें किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं होता है। मल्टीपर्पज़ यानी जैसे इरिगेशन यानी खेती के लिए, बाढ़ से बचाने के लिए किसी भी एरिया को, तीसरा बिजली उत्पादन के लिए भी इस परियोजना का प्रयोग किया जा सकता है। इसको बहुउद्देश्यीय परियोजना कहते हैं। ये 1994 तक इन्वायरमेंटल क्लियरेंस एक प्रशासनिक डिसीजन हुआ करता था, जिसका कोई कानूनी सपोर्ट नहीं रहता था। तो 27 जनवरी 1994 को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में एक प्रस्ताव दिया गया कि EIA को प्रस्ताव दिया गया, उसमें नोटिफिकेशन जारी की गई कि EIA को क्लियरेंस, EIA यानी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस सबके लिए ज़रूरी है, किसी भी प्रोजेक्ट के एक्सपेंशन या मॉडर्नाइजेशन के लिए, किसी भी एक्टिविटी के लिए ये EIA आवश्यक है। ये हो गया भारत में EIA का इम्प्लीमेंटेशन कब से शुरू हुआ। 1974 में एक तरीके की समिति थी जो कि इन्वायरमेंटल एंगल को का अध्ययन करके सरकार को अपना प्रस्ताव देती थी, लेकिन 1994 के बाद से ये मैंडेटरी हो गया कि हर प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना जरूरी है। अब इसका उद्देश्य क्या, एम क्या है? द मेजर एम ऑफ EIAR रिसोर्सेज कंजर्वेशन, जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है, चाहे मिनरल रिसोर्सेज की बात करें, चाहे वाटर रिसोर्सेज की बात करें, चाहे फॉरेस्ट रिसोर्सेज की बात करें, जितने भी तरह के रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास सीमित है। इसको किस तरीके से उपयोग किया जाए जिससे इसका इस्तेमाल हम लोग बरसों तक कर सकें। दूसरा, वेस्ट मिनिमाइजेशन, इसकी बर्बादी को रोकना। रिकवरी ऑफ बाई प्रोडक्ट मतलब किसी भी प्रोजेक्ट को लगाने के बाद जो भी इंडस्ट्री उसके बाई प्रोडक्ट क्या होते हैं, उसका क्या उपयोग हो सकता है। इफ़िशियंट यूज़ ऑफ इक्विपमेंट, जो भी उपकरण डाल रहे उसका इफ़िशियंट यूज़ होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसा कि आप लोगों को पता है, उस चीज़ को कहते हैं, उस परिकल्पना को या उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है जिसमें अपनी नीड को इस तरीके से लिमिट करो ताकि जो नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल ना केवल हम लोग करें बल्कि आने वाली पीढ़ी भी उसका इस्तेमाल करें। जिस तरह से प्रेजेंट वर्तमान परिस्थिति में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संपदा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम लोगों की बनाई हुई नहीं है बल्कि पूर्वजों के द्वारा छोड़ी गई है। इसी प्रोसेस को अगर इस आगे बढ़ाने के तरीके को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसका ऑब्जेक्टिव के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। तो एक तरह से देखा जाए EIA का मेन एम होगा, एक लाइन में ये कहा जाए, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब EIA के क्या प्रोसेस है, क्या क्रियाविधि है, क्या उसमें कदम उठाए जाते हैं, द मेन स्टेप्स ऑफ EIAR। पहला होता है स्क्रीनिंग, जिसकी चर्चा हम आगे करते रहेंगे। दूसरा कहते हैं स्कोपिंग। तीसरा प्रेडिक्शन एंड मिटिगेशन, मिटिगेशन मतलब उसका मिनिमाइज करना जो भी इम्पैक्ट होता है उसको। मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग, और लास्ट में होता है ऑडिट। तो इन सारे स्क्रीनिंग के स्टेप्स को हम एक एक करके इसका वर्णन करेंगे किस तरीके से ये EIA का स्टेप लिया जाता है। पहला आता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग इज द प्रोसेस यूज टू डिटरमाइन वेदर द प्रोजेक्ट और एक्टिविटी रिक्वायर एन EIA। स्क्रीनिंग समझिए कि प्रारंभिक अध्ययन होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी परियोजना का। उसमें ये देखा जाता है कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो परियोजना है, ये जो एक्टिविटी है, इसके लिए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जरूरत है कि नहीं।
क्योंकि बहुत सारे परियोजनाएं ऐसी होती है जिसके लिए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले यह स्क्रीनिंग किया जाता है प्रोजेक्ट का कि इसके लिए इन्वायरमेंट EIA जरूरी है कि नहीं। अगर इस जरूरी है, इफ़ इट रिक्वायर द लेवल ऑफ इन्वायरमेंट रिव्यू इज नेसेसरी, मतलब अगर जरूरत है तो किस लेवल तक इसकी आवश्यकता पड़ती है, ये इसका पहले प्रारंभिक अध्ययन किया जाता है। यानी कोई भी प्रोजेक्ट अगर सामने आता है सरकार के सामने, तो सबसे पहले कमेटी जो है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट कमेटी कहा जाता है उसे, EIC, सबसे पहले वो कमेटी अध्ययन करती है, उसकी स्क्रीनिंग करती है कि ये प्रोजेक्ट EIA के लायक है कि नहीं है, अगर है तो किस हद तक है। तो कहने का मतलब ये हो गया, दस ऑल द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नॉट रिक्वायर EIA एज सम ऑफ देम मे नॉट पोज एन इन्वायरमेंटल थ्रेट। कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए EIA जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक नहीं होते या इन्वायरमेंट के लिए थ्रेट यानी दुष्प्रभाव नहीं करते। ये हो गया आपका स्क्रीनिंग। इसके बाद स्कोपिंग। स्कोपिंग होता है, स्कोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग विच आर द मोस्ट क्रिटिकल इशूज फॉर स्टडी एंड विल इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन टू सम डिग्री। कहने का मतलब इस प्रोसेस का मतलब ये होगी, इस प्रोसेस में ये इन्वॉल्व होता है कि किस क्रिटिकल इशूज़ उस प्रोजेक्ट में कौन कौन से क्रिटिकल इशूज़ हैं जिसके बारे में अध्ययन करना है और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की ज़रूरत पड़ती है किस हद तक। जो जैसे आप मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, अगर डैम बनाने का प्रोजेक्ट की अगर बात करते हैं, तो उसमें कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट यूँ समझ लीजिए कि किस डैम बनाने का मतलब कुछ इलाके को पानी में डुबोना पड़ता है, क्योंकि पानी का संग्रह किया जाता है। डुबोने के लिए हो सकता है कुछ गांवों को भी इन्वॉल्व करना पड़े उस चीज़ में, तो गांव का इन्वॉल्वमेंट, उसका रिहैबिलिटेशन, ये सारे प्रोग्राम का इसको ये स्टडी किया जाता है। फिर द स्क्रीनिंग इज डन बाई कंसल्टेंट इन द कंसल्टेशन विद द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट एंड द गाइडेंस बाय द एजेंसीज। तो हमने पहले बताया जो स्क्रीनिंग की जो प्रक्रिया होती है वो कमेटी अध्ययन करती है कि इसके लिए EIA की जरूरत है कि नहीं, है तो किस हद तक है। और ये एक अर्ली स्टेज है, ये एक प्रारंभिक अवस्था है EIA का, जो आउटलाइन जो प्रपोजल होता है प्रोजेक्ट का उसको प्रभावित करती है। प्रेडिक्शन एंड मिटिगेशन, इट इज़ द हार्ट ऑफ EIA प्रोसेस। EIA प्रोसेस जो होता है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि ये इस चीज़ को समझने के लिए जरूरी होता है कि किस हद तक ये इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को नुकसान पहुंचाता है। मतलब कहने का, द प्रेडिक्शन हेल्प इन फर्दर स्टडी ऑफ द इम्पैक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ सीवियर द एक्टिविटी कुड प्रूव ऑन एन इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स। किस हद तक ये प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है, प्रभाव देता है, जैसे हाउ मच विल बी द पॉल्यूशन, इससे पॉल्यूशन कितने कहाँ तक हो सकता है, क्या पॉल्यूटेंट यानी कितने क्या किस तरह के प्रदूषक इसमें निकलेंगे, और उस प्रदूषक का प्रभाव क्या है, जिस एरिया में प्रोजेक्ट लगा है उस प्रदूषक का प्रभाव क्या हो सकता है उसके बारे में देखा जाता है, और व्हाट लाइफ फॉर्म विल बी पॉल्यूटेंट इफेक्ट, और किस किस चीज़ों को ये पॉल्यूटेंट जो है प्रभाव डालता है या बुरा प्रभाव डालता है, यूं कहा जा सकता है। ये होता है प्रेडिक्शन, और सच प्रेडिक्शन आर मेड फॉर ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड देयर इफेक्ट। सच, ये जो सारे प्रेडिक्शन होते हैं, ये सारे डेवलपमेंट विकास विकासशील परियोजना डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए और उसके प्रभाव के बारे में अध्ययन किया था, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, कहाँ से यह समस्या शुरू हो सकती है, स्पेशियल एंड टेम्परल एक्सटेंट, इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट स्केल, हर स्तर पर इसका प्रभाव देखा जाता है, इंटेंसिटी, रिवर्सिबिलिटी एंड इक्विटी, हु इज अफेक्टेड ऑफ द इम्पैक्ट। तो पूरी तरह से ये कहा जाए, समझा जाए कि प्रेडिक्शन का मतलब होता है प्रोजेक्ट के अध्ययन करने के बाद ये पता किया जाता है कि पॉल्यूशन किस हद तक, किस हद तक प्रदूषण हो सकता है, किस हद तक ये प्रदूषक को जनरेट उत्पादन कर सकता है, और वो प्रदूषक किस हद तक प्रदूषण फैला सकते हैं। ये हो गया आपका प्रेडिक्शन। उसके बाद मिटिगेशन। अब जब प्रेडिक्शन कर लिए तो उसका मिटिगेशन, उसको मिनिमाइज कैसे किया जाए, उस पर विचार किया जाता है। मिटिगेशन इज द स्टेप वेयर एक्सपर्ट सिट डाउन विद द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स टू कम विद द अल्टरनेटिव ऑफ सर्टेन
certain project activities so that they can reduce the adverse impact on environmental aspect of the project area. उसके बाद सारे एक्सपर्ट बैठते हैं जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स होते हैं उसके साथ, और उसके बाद अगर कोई प्रभाव पड़ रहा है तो कुछ एक्टिविटी का अल्टरनेट सुझाया जाता है ताकि जितने भी प्रभाव पड़ रहे हैं इन्वायरमेंट में, चाहे वो ये इम्पैक्ट ये एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं चाहे बुरा प्रभाव पड़ रहा है, उसका उसको मिनिमाइज उसको कम से कम करने के लिए कुछ अल्टरनेटिव आइडिया दिया जा सकता है ताकि इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाए जो कि कम से कम प्रभाव डाले. आफ्टर कंपाइलिंग द असेसमेंट प्रेडिक्शन एंड मिटिगेशन मेजर्स द EAC इन्वायरमेंटल असेसमेंट कमिटी submit this information along with the baseline study and terms of reference to the concerned government authority. This report is called environment impact statement. इसके बाद कंप्लीट असेसमेंट के बाद पूरी तरह से असेसमेंट प्रेडिक्शन और मिटिगेशन मेजर्स के साथ इन्वायरमेंट असेसमेंट कमिटी जो होती है वो एक रिपोर्ट सबमिट करती है जिसका किस बेस पर इसकी स्टडी हुई है, क्या टर्म्स ऑफ ये क्या टर्म्स हैं उस गवर्नमेंट अथॉरिटी को देती है, और इस रिपोर्ट को कहते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट. बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट एंड इट्स ओन कंसिडरेशन द गवर्नमेंट अथॉरिटी विल डिसाइड वेदर टू गिव और नॉट गिव एन इन्वायरमेंटल क्लियरेंस टू द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. इसी स्टेटमेंट के आधार पर तब गवर्नमेंट अथॉरिटी डिसाइड करती है कि इस प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दिया जाए कि नहीं दिया जाए. ये हो गया आपका प्रेडिक्शन एंड मिटिगेशन. प्रेडिक्शन में ये देखा जाता है सबसे पहले कि इसका इस प्रोजेक्ट का प्रभाव कहाँ तक हो सकता है, और मिटिगेशन ये कहता है वो प्रस्ताव रहता है या अल्टरनेट स्टेप रहता है कि उस प्रभाव को कम से कम किस तरह से किया जाए. और इसके बाद वो रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट अथॉरिटी को दिया जाता है, और गवर्नमेंट अथॉरिटी जो होती है वो डिसाइड करती है कि इस प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दिया जाए कि नहीं दिया जाए. अब मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग. दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द इम्प्रूवमेंट एंड मिटिगेशन मेजर टू पुट फॉरवर्ड EIA. इट ऑल्सो इन्वॉल्व द एलिमेंट ऑफ असेसिंग रिस्क एंड हैजार्ड मैनेजमेंट. फॉर एग्जाम्पल इफ द प्रोजेक्ट टेक्स प्लेस इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू अ कम्युनिटी अ रीसेटलमेंट प्लान मे बी नीडेड. अभी हमने जिक्र किया था कि अगर प्रोजेक्ट को फाइनल करने के बाद उसकी मॉनिटरिंग या इसका मैनेजमेंट किया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई परियोजना लगाते हैं जिसकी वजह से कुछ जनसंख्या को वहाँ से रीसेटल करना पड़े, तब रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम को की ज़रूरत पड़ती है वहाँ. ये एक एग्जांपल हुआ, जैसे कहीं उद्योग लगा रहे हैं किसी ऐसे साइट पर जहाँ पर कुछ गाँव के एरिया भी पड़ते हैं, वहाँ के लोगों को रिहैबिलिट करना, या नहीं तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जैसे बांध बना रहे उसके लिए रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है. ये होता है आपका मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग. अब लास्ट होता है ऑडिट. फाइनली अ ऑडिट ऑफ द EIA इज़ कैरिड आउट सम टाइम आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन. जब प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन होता है तो उसकी ऑडिट की जाती है कि सब कुछ ठीक ढंग से चल रहा है कि नहीं, और एक तरह से ये फीडबैक के रूप में फंक्शन करता है. मतलब ये कहने का है कि किसी भी प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिलने के बाद जब उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है तो इम्प्लीमेंटेशन के दौरान कुछ समय के बाद उसकी ऑडिट की जाती है कि जो सुझाव दिए गए थे वो ठीक ठाक उसमें फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, इस चीज़ का फीडबैक लिया जाता है. ये हुआ पूरा प्रोसेस EIA का. एक बार अगर फिर से कहा जाए तो स्क्रीनिंग होती है पहले कि प्रोजेक्ट जो है EIA के योग्य है कि नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो इन्वायरमेंटल थ्रेट नहीं होते. स्कोप, इसमें ये देखा जाता है कौन से क्रिटिकल इशू हैं जिसकी डिस्कशन की ज़रूरत पड़ती है, असेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, फिर प्रेडिक्शन कि कौन कौन से क्रिटिकल इशूज आते हैं उसको मिनिमाइज कैसे किया जाता है, फिर वो सारे प्रस्ताव गवर्नमेंट अथॉरिटी को दिया जाता है, गवर्नमेंट अथॉरिटी डिसाइड करती है कि इसको क्लियर किया जाए कि नहीं किया. क्लियरेंस के बाद अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है तो उसकी मॉनिटरिंग होती है कुछ समय के बाद कि वो प्रोजेक्ट ठीक ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, जो जो सुझाव दिए गए थे मिटिगेशन यानी मिनिमाइजेशन के लिए, इम्पैक्ट के मिनिमाइजेशन के लिए, वो चीज़ एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं. ये सारे आपके हो गए कि प्रोसेस क्या होता है इन्वायरमेंट
इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के। अब डेटा रिक्वायर्ड, ईआईए के लिए डेटा कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, उसके लिए सबसे पहले प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट किस तरह का प्रोजेक्ट है, उसका साइज और लोकेशन क्या है, फिर एरिया पोटेंशियल इम्पैक्ट, जैसे फिजिकल रिसोर्सेस, जो फिजिकल रिसोर्सेज जैसे ज़मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर उसके आसपास जो हवा हो गई उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो चीज़, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट रिसोर्सेज, क्वालिटी ऑफ लाइफ, अदर एग्जिस्टिंग एंड प्लान प्रोजेक्ट। कहने का मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट पहले से वहाँ चल रहा है तो उसका क्या प्रभाव, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारे चीज़ का, और उधर के लोगों के रहने का जीवन स्तर का क्या प्रभाव पड़ सकता है, उस डेटा की भी ज़रूरत पड़ती है। अब इसका आउटकम क्या होता है, हमने बताया कि हर चीज़ का आउटकम में पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है, नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है। सबसे पहला आउटकम देखिए, न्यू जॉब्स, ये पॉजिटिव आउटकम की बात कर रहे हैं, न्यू जॉब्स जनरेटेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ स्टिमुलेट। कहने का मतलब है कि नई नए जॉब क्रिएट होते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है। जैसे आप ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क में आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर नॉलेज पार्क डेवलप करने के साथ साथ जरूरी नहीं कि सिर्फ पढ़ाई का ही काम हो रहा है, पढ़ाई के साथ साथ आप ये देख रहे हैं कि जैसे इंस्टीट्यूशन बढ़ने से टीचिंग नॉन टीचिंग ये सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, इससे रोज़गार भी बढ़ता है, और साथ साथ जो है दूसरा, जैसे हमने लिखा है ग्रोथ ऑफ लोकल बिजनेस इंटरप्राइजेस सपोर्टेड, जैसे लोकल बिजनेस बेस से लेके दुकान से लेके बड़े बड़े मॉल तक की बात कर रहे हैं, उस लोकल बिजनेस को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि अगर कोई प्रोजेक्ट लगेगा तो लोग आएंगे, नया जॉब क्रिएट होगा और लोग आएंगे, तब जो छोटे मोटे से लेकर बड़े बड़े कारोबार तक को भी ये इस पर सपोर्ट मिलता है। डेवलपमेंट ऑफ सपोर्टिंग ए कम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री, जैसे आप लोग देख रहे हैं ग्रेटर नोएडा के आसपास कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, उसका डेवलपमेंट होने का कारण यही है कि अगर डेवलपमेंट होता है, इन्फ्लक्स ऑफ कैपिटल इनकम, वहाँ पूंजी भी लगती है और इनकम भी बढ़ता है, ये कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जैसे नया रोज़गार ग्रोथ होना, आर्थिक तरक्की होना, आर्थिक विकास होना, लोकल यानी स्थानीय रोजी रोटी का भी विकास होना, कुछ सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज भी लगना, और पूंजी निवेश होना, साथ में इनकम होना, ये सारे पॉजिटिव है। नेगेटिव है एक सोशल इम्पैक्ट, जहाँ पर आप लोग देखे होंगे, जहाँ पर ये एक्टिविटी होती है, चाहे जो भी परियोजना आती है, वहाँ के सोशल लोकल यानी जो स्थानीय लोग हैं उस पर भी प्रभाव बहुत पड़ता है। जैसे बहुत सारे बाहरी लोग भी आकर वहाँ पर रहने शुरू करते हैं, क्योंकि उस रहने की शुरू करते हैं, कल्चरल मिक्सिंग हो जाती है। कल्चरल मिक्सिंग होने की वजह से क्या होता है, वहाँ के जो लोकल कल्चरल वैल्यू है उसको भी प्रभावित करता है। फिर उसके बाद डिक्लाइन इन कम्युनिटी कोहेसन, अब फिर उसके बाद एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है लोकल और आउटसाइडर्स के बीच, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है जिसपे सोशल यानी सामाजिक तौर पर ये बुरा प्रभाव देता है। दूसरी बात, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी शहर का है उस पर एडिशनल प्रेशर पड़ता है, जैसे कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं, जैसे दिल्ली शहर का ही, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों का अगर एग्जाम्पल दिया जाए, वहाँ पर लोगों के आने के लिए पहले रहने का प्रबंध, रह लिए तो फिर बिजली पानी सप्लाई उसकी व्यवस्था करना, इससे क्या होता है जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, सीवर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, इस पर असर पड़ता है, फिर रहने के लिए जगह पर असर पड़ता है, फिर दूसरे रहने का असर पड़ता है, ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का। लेकिन अगर इस नेगेटिव इम्पैक्ट को किस तरह से मिनिमाइज़ किया जाए, या कुछ इस तरह का प्रस्ताव लाने के बाद इस प्रोजेक्ट को बेहतर किया जा सकता है ताकि इसका प्रभाव कम से कम पड़े, ये चीज़ का अध्ययन होता है, ये चीज़ का आउटकम निकलता है ईआईए के द्वारा। फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को देखा जाए, जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं डिप्लेशन होते, जैसे मान लिया जाए किसी उद्योग को लगा रहे हैं, मान किसी जंगल, चाहे कोई परियोजना हाईवे की हो रही है, हाईवे का परियोजना जब भी होता है या तो खेतों के बीच से हाईवे गुजरता हो या तो जंगल के बीचों बीच गुजरता हो,
खेतों के बीच से गुजरने का मतलब ये हो गया कि खेती योग्य जमीन की कमी होनी, ये भी एक नेचुरल रिसोर्सेस है, लैंड रिसोर्सेस। अगर जंगल के बीच से गुजरता है तो जंगल का कुछ हिस्सा काटना पड़ता है, तो इससे क्या होता है, दूसरा पॉइंट हमने दिया है डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा पॉइंट हमने दिया डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। अगर हम जंगल काट देते हैं, जंगल का कुछ हिस्सा गायब करते हैं, तो वहाँ के रहने वाले जीव जंतुओं के ऊपर भी असर पड़ता है, इससे क्या होता है, तीसरा पॉइंट है इंक्रीजिंग एयर वाटर एंड सॉयल पॉल्यूशन, जिसका हम चर्चा पहले कर चुके हैं। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉयल पॉल्यूशन तभी होता है जब जनसंख्या वृद्धि होती है, जब आर्थिक गतिविधि जहाँ चालू होती है वहाँ पर होता है। और एयर पॉल्यूशन की वजह से हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है, इससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है, एसिड रेन की समस्या हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लेशन की समस्या हो रही है। अभी आप लोग हमने पहले के एक सबसे पहले वीडियो जब हमने नॉइज़ पॉल्यूशन बताया का वीडियो हमने लेक्चर दिया था, उसमें पहले इसका प्रभाव का बता चुका था कि एयर पॉल्यूशन और नॉइज़ पॉल्यूशन कुछ हद तक कंट्रोल हुआ है इधर कुछ दिनों में लॉकडाउन होने के बाद से, क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की मशीनें और गाड़ियाँ चलनी बंद हो गई, जिससे एयर पॉल्यूशन भी कम हुआ है और नॉइज पॉल्यूशन भी कम हुआ है। अब कंक्लूजन क्या है इसका, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज अ वेरी बेनिफिशियल स्टेप टू चेक वेदर द प्रोजेक्ट इज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली और नॉट। कहने का मतलब है कि इस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक तरह का टूल होता है, एक तरह का स्टेप होता है जो ये चेक करता है, वो ये जांच करता है कि वो प्रोजेक्ट इन्वायरमेंटल फैमिली फ्रेंडली है या नहीं है। दूसरा, सिंस द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन नेचुरल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी सपोर्टेड बाय डिजाइन फॉर द पीपल, सो ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज शुड बाय इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। अब जैसे कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट आता है, वो सीधा सीधा नेचुरल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के बीच का इंटरेक्शन होता है। प्राकृतिक संसाधन हमने पहले बताया, प्राकृतिक संसाधन का मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज भी होता है, लैंड रिसोर्सेज भी हो सकता है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज भी हो सकता है, मिनरल रिसोर्सेज भी होता है। इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है, लेकिन ये देखना इसमें ज़रूरी होता है कि ये चीज़ इकोनॉमिक यानी आर्थिक, सोशल यानी सामाजिक और इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण फ्रेंडली है कि नहीं। तो ये सारे हो गए, ये हो गया आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, और इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है और इसका प्रोसेस क्या है, ये इसमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में आप लोगों को पढ़ना था। आप लोग ये वीडियो देखिए, लेक्चर देखिए, अगर किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत हो तो आपसे एक बार फिर से कह रहे हैं, आप चाहे हमें फ़ोन के द्वारा पूछ सकते हैं या नहीं तो ग्रुप चैटिंग के द्वारा भी आप लोग जान सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग घर के अंदर रहिए और स्वस्थ रहिए।